नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश पठानिया और आप देख रहे हैं एक्टिव न्यूज। आज कठुआ जिला के उपजिला बसोली जोन के अपर प्राइमरी स्कूल समान में लोक सेवा संस्था द्वारा स्कूल के बच्चों, उनके अभिभावकों व स्कूल के स्टाफ के साथ स्वच्छता संबंधी एक कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों को भारत सरकार के स्वच्छता अभियान संबंधी जानकारी प्रदान की गई। एनजीओ द्वारा विद्यार्थियों के बीच लेखन सामग्री भी वितरित की गई। पेश है इस संबंधी टीम एक्टिव न्यूज की एक रिपोर्ट। Leave a thumbs up if you like any videos, then subscribe the channel and press the bell icon to watch more latest videos very faster. सर ने बोला आपको कि स्वच्छ भारत अभियान, इसका मतलब यही है कि एक तो आ गया, उन्होंने सही बोला कि सफाई रखनी, सफाई अपने आसपास का वातावरण। आए थे लॉन्ग टर्म के लिए, उनका क्या मकसद था, स्कूल में आके क्या मकसद था, इसलिए मैं आपको सिर्फ एनजीओ के बारे में बताऊंगी, उनकी फंक्शंस के बारे में बताऊंगी, ठीक है। एनजीओ पता चल गई क्या होती है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या होती है? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी एनजीओ भी है जो सिर्फ लड़कियों के लिए काम करती है, लड़कियों को बढ़ाती है, उनकी देख रेख करके बड़े होकर उनकी शादियां करती है। और आपको सुनते बड़े अजीब लगेगा, कुछ एनजीओ होती है जानवरों पे काम करती है। शहर में चले जाओ ना, बड़े बड़े शहरों में, जैसे स्ट्रीट होते हैं, गली में बहुत सारे कुत्ते होते हैं, उनको बचाने के लिए काम करते हैं, ऐसे भी एनजीओ है। काम करना है, ये मतलब नहीं है। उसका मतलब ये है कि आप स्कूल में आए हो, यहाँ भी साफ सफाई रखनी है, अपने घर में भी रखनी है, अपने गली मोहल्ले में भी रखनी है, इसका ये मतलब है। फिर ये जो मलेरिया वगैरह होता है, बुखार शहर, इन्हीं चीज़ों से होता है। अब मैं 3-4 महीने बाद यहाँ दोबारा कैंप लगाऊंगा, फिर मैं उनको पूछूंगा आपके घर में टॉयलेट बना होना चाहिए, ठीक है। सब ने बोलना आज से घर में शुरू हो जाना, कि रोज बोलना कि जब तक तो टैलेंट नहीं बनता ना आपके घर में, आपने अपने माता पिता को तंग करते रहना कि हमको उन्होंने बोला हुआ है, उनका हमें खून आता है कि घर में टैलेंट नहीं है। ये तो बच्चों को बोल रहा हूँ, ये थोड़े आ गए, अपने बड्डे ने भी आ गए, मेरी माता भैन आ दी, मैंबर भी आ दियाँ, जिनके घर नहीं बनना, ये बड़ी मुश्किल है। आज जैसे हम स्कूल में आए हैं, तो आज हम बात करेंगे स्कूल की, बात करेंगे एजुकेशन की।